नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूताखिल दोष पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षांदी कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। राजस्रवा, सारे ग्रह भिन्न भिन्न दिशाओं में क्यों जा रहे हैं? एक महापुरुष जन्म लेने वाला है, उन्हें महापुरुष बनाने के लिए सारे ग्रह अपनी दिशा बदल रहे हैं। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसा महापुरुष भी तो आज तक कोई जन्मा नहीं। शंकरा, एकमेवाद्वितीयम् नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। उफ़, आप बच्चे के पैर क्यों छू रहे हैं जी? उसकी आयु कम हो जाएगी। देख रहे हो शंकरा? पिताश्री कोई साधु दिखाई दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकरा, अर्धरात्रि को मैं तुम्हें इस तरह यहाँ ले आया हूँ, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? अगर मुझे भय लगता तो मैं आपके साथ क्यों आता स्वामी? ओम, भगवान ने तुम्हें जो आयुष दी है
वो केवल 8 वर्ष है। क्या ये तुम्हें ज्ञात है? आपने बताया ना, मैं जान गया हूँ। क्या जानते हो? अभी तुम्हारी आयु 4 वर्ष की है और 4 वर्ष बीतेंगे तो इस शरीर का मैं त्याग कर दूंगा यही नस्वा में। शरीर छूट जाएगा इसका तुम्हें भय नहीं है? जो जन्म लेता है उसका अंत तो होता ही है, अंत के पश्चात पुनः जन्म होता है, ये तो सृष्टि का नियम है स्वामी। तो भय कैसा? बहुत उचित कहा, जो लोगों को अभय बनाने आया है इस संसार में उसे भय कैसा? तो क्या यही बताने के लिए आप मुझे इतनी दूर ले आए स्वामी? नहीं बालक, तुम्हें श्री चक्र की उपासना का उपदेश देने आया हूँ। दीक्षा से उपासना करोगे तो माँ लक्ष्मी देवी तुम्हारे बुलाने पर आएंगी और जब तक नहीं चाहोगे नहीं जाएंगी। ओम श्री लक्ष्मी नमः। सबका कहना है कि मेरा बेटा सन्यासी बनेगा। क्यों जी? पूरे लगन से श्री चक्र उपासना करेंगे तो क्या बनते हैं जी? बड़े घनवान बनेगा। तो मेरा बेटा क्या बनेगा? ज्ञान बांटने वाला धनवान बनेगा। क्यों गुरु, किसी नए खेल का पता लगाया है क्या? तो पुराना है परंतु नए तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। साया ही अपनी मृत्यु होती है। अगर मृत्यु हमसे खेल सकती है तो क्यों ना हम ही मृत्यु से खेले, क्या होगा इससे? माता पुकारेगी और जंबासुर का सर फट जाएगा। फाड़ दूंगा। तुम लोग अगर हमारी जात के बारे में एक शब्द भी बोलोगे तो तुम सबके सिर फाड़ने वाला बड़ा आया। चुप। कितनी परंपराओं के चरित्र से बना है हमारा कुल, उसके सामने तेरा कुल किस काम का? ऐसे तुम्हारे कुल की कोई निशानी वगैरह है क्या? क्या बकते हो, इसी जनेऊ से तुम्हें फांसी लगा दूंगा। क्या बोला तू? क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए। अरे लड़ाई मत रोको, बस एक दूसरे को मारते जाओ, जनसंख्या कम हो जाएगी, देश का भी भला होगा। रुक जाइए, आपस में मत लड़िए। क्या हुआ? और मारो। क्या हुआ जी आपको? शंकरा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों आपस में लोग लड़ रहे हैं? कुल के नाम पर मारपीट, धर्म के नाम पर और भी मतभेद होते जा रहे हैं। अमानुषता, नागरिकता, मैं नहीं सह सकता। क्या हो गया आपको? क्या हुआ? क्या हुआ? आर्यम्बा, रोती क्यों हो? जन्म की तरह मरण भी सबके लिए निश्चित है। कृष्ण का संकीर्तन करो। कितनी परंपराओं के चरित्र से बना है हमारा कुल, उसके सामने तेरे कुल का क्या? वैसे तुम्हारे कुल की कोई निशानी वगैरह है क्या? शंकरा, क्या सोच रहे हो गुरु? एक न एक दिन इसी तरह सबको राख होना पड़ेगा। इन हाथों से मैंने अपने पिताश्री को अग्नि दी है, अज्ञान को जलाने का तरीका सोच रहा हूँ। यम दुर्क्तात् परिबाधमानम्। यम दुर्क्तात् परिबाधमानम्। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? कल आपने दुर्क्तात् कहते समय ता का मतलब उदात्त बताया था, आज उसका मतलब अनुतात बता रहे हैं। ये उदात होता है या अनुतात होता है? ए, मेरा भस्म, मेरी विभूति, मेरी राख, जो भी हो ता तो बोल सकते थे। मैं बात करती हूँ। बेटा, कल ही तुमने गुरुकुल में प्रवेश लिया और आज अपने गुरु को सिखा रहे हो, तुम बहुत बड़े वेद पंडित बनोगे। मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। तथास्तु। भवत
दी, भिक्षान देही माता, भिक्षान देही माता, भिक्षान देही माता, भवती भिक्षान देही माता, भिक्षान देही माता, भिक्षान देही माता। घर में कुछ दिनों से मैंने भगवान को भी भोग नहीं चढ़ाया है बेटा। ओनम का त्योहार है, इसलिए इस आंवले को प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाया था। इस प्रसाद के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। लक्ष्मी पद्मालया पद्मा शंकरा, शंकरा, तुम्हारी छोटी सी उम्र में ही शादी करवाने का मन कर रहा है मेरा। किंतु माँ, मैं तो इसी आयु में इस तरह सन्यासी बनकर रहना चाहता हूँ। शंकरा, गुरु और भीतर मत जाओ, नदी में मगरमच्छ है। शंकर का आज 8वां वर्ष पूरा हो जाएगा। कालाए तस्मेह नमः। उस शंकर ने इस शंकर को इतनी ही आयु दी है। आयुष बढ़ानी हो तो 8 साल और बढ़ सकती है, परंतु शंकरा, शंकरा मैं क्या करूं? किसी को अपनी आयुष में से 8 साल देने होंगे, परंतु कौन देगा? मैं दूंगा, अपनी आयुष में दान दूंगा। शंकरा, बनने के लिए बांध जाओ माता, सन्यासियों को मगरमच्छ नहीं पकड़ता। सन्यासी बनने से मगरमच्छ छोड़ देगा, हाथ छोड़कर बांध जाओ माँ। माँ ठीक है शंकर, बन जाओ सन्यासी। माँ के साथ ही कैसा खिलवाड़ बेटा। जो भी हुआ वो खिलवाड़ या मिथ्या नहीं थी माँ, भवभद्र मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया था, किंतु तेरी आज्ञा से मैंने आपस संन्यास स्वीकार किया तो मगरमच्छ ने मुझे छोड़ दिया। शंकरा, शंकरा, शंकरा,
शंकरा, अपनी माँ से एक वादा करके जा, मेरी मृत्यु होने से पहले तुम मुझे मिलने अवश्य आओगे। मेरा अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से करोगे। तुम ऐसा करोगे, मेरे सर पर हाथ रखकर मेरी कसम खाओ बेटा। जैसी तेरी आज्ञा। उस बच्चे को देख के इतना दुख प्रकट करके मन ही मन रो रही हो क्यों? देखो, चार दिन गिलहरी की तरह उछलेगा, परंतु जब भूख के मारे पेट में चूहे भागेंगे तो लंगड़ी बिल्ली बन के वापस आएगा। अहम वेद सिंह वाक कहा। क्या हुआ, नहीं समझी? अरे मेरा वाक्य वेद सिंह जैसा है। सुनिए जी, मेरे जीवन की एक छोटी सी आशा है, छोटी सी धोती पहनकर बड़ा सा कटोरा लेकर सन्यासी की तरह जाएंगे, ऐसा देखने की मेरी इच्छा है जी। शंभो शंकरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, कैसी है ये माया। ओम नमः शिवाय, कैसी है ये माया। ए शिवा 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 शिवा, वहां कहां जा रहे हो शिवा? जाऊंगा तो क्या होगा शिवा? वहां पर बहुत जोखिम है शिवा। जोखिम? वहां जोखिम है? हाँ। तो फिर मैं वहीं जाऊंगा। लगता है ये देश को बदल ही देगा। शिवम ही शिवम। ऋषि नहीं लगते, राज ऋषि हैं क्या? आप जो कर रहे हैं वो अग्निस्तंभ ना है ना? गुरुजी, गुरुजी, मैं भी ये विद्या सीखना चाहता हूँ। सिखा दूंगा, पूरी तरह सिखा दूंगा तुम्हें पुत्र। कैसी लगी है ऊंचाई? परम अद्भुत है। पर नीचे गिरने से बचना मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, परंतु विश्वास के साथ प्रयत्न करें तो ऊपर आ सकते हैं। ऐसा है तो यही सोचते हुए कूद जाओ, अगर ऊपर आ गए सिखा दूंगा विद्या। विद्या सीखने के लिए कोई भी जोखिम ले सकता हूँ। मान गया तुम्हें शंकरा, तुम जैसे कुछ युवक पूरी साधना से शिव तांडव करेंगे तो इस देश में फैली पीड़ा और दुर्भाग्य पूरी तरह से मिट जाएगी। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अब मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा।
शंकर ने दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया है। अब उसके प्राण मछली में चले गए हैं। तुमने जो उसे 8 साल का जीवन दान दिया था वो कल समाप्त हो गया। और भी 8 वर्ष दे सकते हैं, परंतु मैं पुनः अपनी आयु में से शंकर को 8 वर्ष दूंगा। क्या कह रही थी मछलियां? जन्म मरण सब कुछ एक है, कब जानेंगे ये मनुष्य, ये कह रही थी। दुष्ट लोग भोली भाली जनता को सता रहे हैं, उन स्वार्थी लोगों पर जाल बिछाकर उन्हें पकड़कर उल्टा लटका के उनकी चमड़ी उतार देनी चाहिए। करुणा नहीं दिखानी चाहिए ऐसे पापियों पर, दुष्टों पर। हाँ, इन्हीं का बेटा हूँ, ये मेरी सगी माँ है, फिर भी मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं करूँगा। इनको जलाने के लिए बड़ी रकम चाहिए ना, उसके बाद क्रियाक्रम के लिए पैसे चाहिए ना, श्राद्ध के लिए भी और बड़ी रकम चाहिए, पैसा पैसा पैसा, मुझसे नहीं होगा। मेरा बेटा, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए कहकर गिड़गिड़ाती रहती थी मैं। अरे तुझे जन्म दिया है, एहसान चुकाने के लिए मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं करेगा। कितनी मुसीबतें उठाकर मैंने तुझे पाला पोसा था, आज अंतिम समय में मुझे चिता देने के लिए कष्ट हो रहा है तुझे। पुत्र के नाम पर कलंक है तू। बचपन में जब जब तूने मुझ पर पिशाब किया, गंगा जल समझ कर खुश होती थी मैं। मेरे अंतिम संस्कार के लिए तर्पण श्राद्ध आदि के लिए पैसे पैसे का हिसाब लगा रहा है बेशरम पुत्र। बोल, तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी उतार दूं इससे पहले बोल। माँ, मुझे क्षमा कर दे माँ, मैं ही तेरा अंतिम संस्कार करूंगा माँ, ऐसा बोल। बोल, 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 बोल। करूंगा माँ, करूंगा। मार मार के समझाने से ही बुद्धि आएगी क्या गुरुजी? ये पहाड़, जंगल, पेड़, फल, पशु, पक्षी और झील, नक्षत्र, नदी, सारे सृष्टि के पैदा होने से लेकर आज तक जैसे थे वैसे ही निर्मल और निश्चल हैं। बस बदला है तो मनुष्य, मनुष्य बदला है। जात पात धर्म कुल और कई वर्गों में बांट लिया है मनुष्य ने, स्वार्थी होकर पागल होता जा रहा है। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे पोते, पोते कहते कहते सदियों तक धन जमा कर रहा है, केवल पैसा पैसा पैसा, पैसों के लिए कोई भी नीच काम आसानी से कर रहा है इंसान। पैसा आते ही मानवता का अंत हो जाता है। सच्चाई और मानवता के लिए अपने राज्य को, रानी को और बच्चों को सबको छोड़कर आया हूं मैं, और देश देश भ्रमण करता रहा, मंत्र तंत्र विद्या सीखी, परंतु इन शक्तियों से मूर्खों की हत्या करना, वध करना या बदलना असाध्य है समझ गया हूं मैं। तुम सोचो शंकरा, इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए क्या करना है, सोचो बेटा, सोचो, सोचो, सोचो।
तेलुगु में कहते हैं अम्मा, हिंदी में माँ, तमिल में अम्मा, मलयालम में अम्मा, कन्नड़ा में भी अम्मा, और ये माँ संस्कृत है। माता, हमारा शंकरा अष्ट भाषाओं का ज्ञाता है। सद्गुरु प्राप्तिरस्तु। कौन हो बेटा तुम? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आ, मेरी तपस्या सफल करने आए हो शंकरा। का शिष्य बन के सफलता पाने आया हूँ। जगत गुरुओं के गुरु हो, मैं धन्य हो गया। कैलाश पर्वत को काशा है वस्त्र पहनाने जैसा लग रहा है पुत्र। परम हंस के रूप में प्रसिद्ध होगा तू। कर्तव्य पर ध्यान देना कर्म योग होता है। शास्त्रीय ध्रुपद पर ध्यान देना विज्ञान योग होता है। आत्मविश्वास पर ध्यान देना प्रगति योग होता है। अहिंसा पर ध्यान देना करुणा योग होता है। बात पर ध्यान देना बुद्धि योग होता है। श्वास पर ध्यान देना ध्यान योग होता है। देखो हर दर्पण में अलग अलग मैं दिखाई दे रहा हूं। इससे क्या होगा? इतने सारे रूपों में मैं तो नहीं हूं ना। मैं सिर्फ एक ही हूं। ये सारे मेरे प्रतिबिंब हैं। एक ही परमात्मा है। अखिल जन प्रपंच उस परमात्मा के प्रतिबिंब है। यही अद्वैत सूत्र है। काशी में सर्वमत समारोह होने जा रहा है। तुम्हें वहां जाना होगा। तुम अपनी समाज संस्कार की जैत्र यात्रा शुरू करो। विजयोस्तु। काश्याम हि काशति काशी, काशी सर्वप्रकाशिका सा काशी। सारे मतों में हमारा मत सबसे पहले है। नहीं, हमारा धर्म सबसे बड़ा है। नहीं, हमारा कुल ही सबसे बड़ा कुल है। हमारा हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है। हमारा मजहब ही सबसे अहम और महान है। इसका मतलब हमारा धर्म बुद्धिहीन है। तुम हो बुद्धिहीन। क्या बोली तू? रुक जाइए। ये सब कैसा अज्ञान है? ये सब कैसा अंधकार है? और कितने वर्षों तक इन कुल के नाम पर, मत के नाम पर लड़ते रहोगे तुम लोग? उंगली जितने हो इस सर्व मत महासभा में मेरे जैसे महान दिग्गजों के सामने जो मुंह में आए बोल रहे हो, कौन हो तुम? अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहा? तुम अपने आप को ब्रह्मा समझते हो? बड़ा आया सिखाने वाला। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सुनो, तुम ब्रह्मा हो तो तुम्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए ना? बोलो, मेरे पैर के नीचे जो कीड़ा है ये जिएगा या मरेगा? बोलो। मर जाएगा। नहीं मरा, ये तो नहीं मरा। मुझे नहीं, नीचे देखिए। अब ये मेंढक भी शिव अर्पण हो जाएगा। अच्छा, तो
इस सर्प का क्या होगा? आप में से कोई बता सकता है? हाँ? मैं बता सकता हूँ। एक चील आएगी और इस सर्प को उठा ले जाएगी। अब क्या होगा बताइए? और क्या होगा जी, सांप भी मर जाएगा? नहीं मरेगा, शिव के गले में जाएगा। कौन से शिव जी के? इस शिव के गले में। ए, ए, ए। अगर वो मेरे गले में नहीं गिरेगा तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। ओ सर्प राजा, आ जा। हिम्मत है तो इस श्री 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 कापालिका सर्वज्ञानी राजा के गले में आ जा, आ जा। ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये? सर्प, सर्प अष्टमुखी सर्प है जो शिव के गले में जा पहुंचा है। ए, ए, सुनो, इसे कहो कि चला जाए, इसे कहो कि छोड़ दे मुझे। ये कि आप शिव हैं, ये आपको छोड़ देगा। मैं शिव हूँ, हाँ मैं शिव हूँ। क्षमा कीजिए महाजनों, अभी जो आपने देखा ये मात्र आपकी आंखें खोलने के लिए एक माया थी जो मैंने रची थी। जो नहीं है उसके बारे में सोचना भ्रम है। ऐसे जहरीले विचारों से आप सबको हमेशा के लिए बाहर निकाल के अद्वैत तत्वों का रहस्य सबको बताने के लिए ही मैं यहां आया हूं। आयुष्मान भवा। गुरुदेव को प्रणाम। क्या शिक्षा प्राप्त की है तुमने? बस चतुर्वेद, दशोपनिषद और अष्टदश पुराण का ज्ञान लिया है, किंतु आपके सामने तो छोटा सा जीव हूँ मैं। तुम अपने बारे में ठीक समझे हो, तुम एक छोटे से जीव हो। मुख का रंग बदल गया है, जैसा इसने कहा था वैसा ही मैंने भी कहा है। सच्चाई का सामना करना ही अद्वैत कहलाता है। क्यों स्वामी, हट जाओ कह रहे थे तुम्हारे शिष्य। इस तरह हट जाओ बोलना क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? सुना है तुम प्रचार कर रहे हो कि सब एक है, सब एक है, क्यों है? एक छोटा सा प्रश्न है, तुमने जो ये दंड पकड़ रखा है, लोग इसे प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या है दंड और प्रणाम एक होगा स्वामी? शिव शिव शिव। एक और बेकार प्रश्न, तपस्या करते समय इसी तरह नाक पकड़ते हैं, शराब की बदबू से भी इसी तरह नाक पकड़ते हैं, वो पकड़ना ये पकड़ना क्या एक ही है स्वामी जी? शिव शंकर। स्वामी
वो शिव तो लोगों का पालक है, यहाँ मैं काशी शमशान का पालक हूँ। तुम्हारा शिव मैं दोनों एक ही है, मैं कहता हूँ, तुम क्या कहते हो? ए, तुम चंडाल हो। हम जैसे सन्यासी, साधु और पंडितों के घूमने वाली इन गलियों में आकर तुम मदिरा के नशे में ये क्या बकवास कर रहे हो? दूर हो जाओ। मीठी ठंडाई मैंने पी है, सुनो ये कड़वा सच बताता हूँ। मैं हूँ एक चांडाल, समझे? इस तरह दूर जाओ कहने वालों को अंत में मेरे ही पास आना पड़ता है। मर्यादा रखते हुए यहाँ से दूर हो जाओगे, नहीं तो। ये क्या स्वामी, शिव के गले में सांप ने कभी डंक नहीं मारा, और तू क्या इतना गुस्सा दिखा रहा है? ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं दूर चला जाता हूँ। और दूर चला जाता हूँ। मैं जिस भूमि पर खड़ा हूँ तुम भी वहीं खड़े हो, फिर अछूत नहीं हुए क्या? जिस आकाश के नीचे मैं खड़ा हूँ तुम भी उसी आकाश के नीचे खड़े हो, क्यों हो गए ना अछूत? इस चांडाल से गुजरने वाली हवा भी तुम्हारे पास से गुजर रही है, उससे तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? मैं जिस गंगा में डुबकी लगाता हूँ तुम भी उसी गंगा में डुबकी लगाते हो, गलत नहीं है क्या? झूठे हो तुम, बोलो। ये पुराण सब छोड़ दो, बस एक बात बताओ, तुम जिसे दूर भगा रहे हो वो आग में जलकर राख होने वाला बदबूदार शरीर है, जो अग्नि में जल जाता है वो शरीर होता है, आत्मा नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुट तरा या संविद जृंभते या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी सैवाहं न च दृश्य वस्त्विति दृढ़ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चंडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषामनीषा मम। जाति नीति कुल गोत्र दूरणम् नाम रूप गुण दोष वर्जितम् देश काल विषयापि वर्तिये ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मने। वेदव्यास मुनिवर, मेरा ये कैसा भाग्य है? ये भाग्य समस्त मानव का है, इन पवित्र ग्रंथों पर पूर्ण रूप से प्रमाण करके बोल रहा हूं, अब संसार में भय नहीं है। परंतु परंतु अन्नपूर्णा समेत काशी विश्वेश्वराय नमः। प्रस्थान त्रयम्। Yeah.
शंकरा, ये सारी ग्रंथ गंगा की गोद में आए वहां से गंगाधर तक पहुंचे। विस्तार से अध्ययन किया है इनका स्वामी ने। शिरोध्याय कहते हुए इन्हें सर पर रखकर आनंद तांडव भी किया है। अच्छा माँ। ये लो, मेरा लाडला। इस देश को धर्म भूमि पुण्य भूमि कहते हैं ना, तो बस कहने से ही हो जाता है, उन वाक्य को सत्य भी करना है। वहां देखो पुत्र, कर्म ही रक्षक है, कर्म ही दंड भी देगा, कर्म भक्षक भी है, कर्म से वो परमपिता भगवान भी नहीं बचा पाएगा। देखा, समझ में आया ना? आपके हाथों में कुछ नहीं है, आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हो या ना हो, आप प्रजा से बार बार कह के उन्हें नालायक और लाचार बना रही हैं। सब कुछ आपके हाथों में ही है, प्रजा चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे प्रजा को समझाना चाहिए, ये स्वामी ने बताया है। उत्तम का अर्थ है अच्छे कार्य करके प्रजा का उद्धार करना। ये मैं कह रही हूँ, तुम जैसे नव युवकों को मुट्ठी बंद करके आगे बढ़ना है, व्यतिरेक जगाओ। वैसे लोगों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें अपने रास्ते पर लाना होगा। ओमकार से प्रयाग में रहने वाले उस मंडन मिश्र को अपने अद्वैत भोजन का प्रभाव दिखाओ। तुम्हारी जैत्य यात्रा में ओमकार शंख बजाओ। कर्म कर्म कहते हो, ये कैसा कर्म है? श्राद्ध कर्मांच करिष्ये। श्राद्ध कर्मांच करिष्ये। भगवन भिक्षां देहि। ए अयोग्य, बिना आज्ञा मेरे घर में प्रवेश करने वाले तुम कौन हो? आप जिन पितरों को पिंड प्रदान कर रहे हैं उनके स्वरूप में उपस्थित मैं एक चितात्मा हूँ। चितात्मा? नालायक हो तुम, चुपचाप चले जाओ वरना अद्भुत चक्र से मैं तुम्हें। मंडन मिश्रा, अतिथि बनके तुम्हारे पिता के श्राद्ध पर आया है अभ्यागति। अतिथि का प्रेम पूर्वक पैर धो के भिक्षा देना तुम्हारा कर्तव्य है। यहां मैं ये भिक्षा लेने नहीं आया, आपसे वाद विवाद भिक्षा लेने आया हूं। हमसे वाद विवाद करोगे? मार्ग मध्य में आपके कुलगुरु कुमारिल भट्ट जी ऐसे ही कहकर वाद विवाद में हार कर शिवैट्य हो गए। आप वाद विवाद करेंगे या मेरा अभिवाद करेंगे, आपकी इच्छा। वाद विवाद के लिए तैयार हूँ मैं, निर्विवाद से विजय हमारी होगी, ये घोषणा करता हूँ मैं। मूछे हैं नहीं तो क्यों घुमा रहे? पराजय को जय सोचकर भ्रम में जी रहे, ये जय पराजय हम जैसों के लिए तुच्छ मात्र है। वाद विवाद सभा में अपनी अर्धांगिनी अभय भारती देवी को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करता हूं। स्त्री का आदर करते हुए इस तरह गौरव स्थान देने वाले आपके आदर्शों का अभिनंदन करता हूं। जब तक पति खड़े हों, पत्नी को आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे आपको खड़ा रखने के लिए स्वयं माँ बैठ गई हैं। इनकी जीत अवश्य होगी, ये मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं खड़ी हूँ। ऐसी सभाओं के कुछ नियम और निबंधन होते हैं, अध्यक्ष के रूप में उन्हें बताना मेरा कर्तव्य है। वाद विवाद में इस तरह ऊपर नहीं देखते हैं। चुड़ैल कहेगी? चुड़ैल है, नीच है, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। करते हुए उंगलियां नहीं दिखाते हैं। नहीं करते हैं, पागलों जैसे नहीं हंसते।
भूमि को पैर से इस तरह नहीं मारते हैं। कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो, हंसते हंसते ही वाद विवाद होना चाहिए। ये तुम दोनों भी शायद जानते ही होंगे। ओ, ये सब मैं जानता हूँ, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए किया था। इस विवाद में अगर मेरा पति हार गया तो मेरा पति हारा तो संन्यास स्वीकार करेंगे, शंकर हारा तो संन्यास छोड़कर गृहस्थाश्रम स्वीकार करना होगा उन्हें। ये है विवाद के निबंधन। सुनो बाल ब्रह्मचारी, तुम हारोगे तो भी लाभ ही होगा, अच्छी पत्नी जो मिलेगी। ये मालाएं महिमा संबंधित है, जो हारेगा उसकी गले की माला सूखती जाएगी। पहले से हार अपना के जीत की माला पहना रहे हो। भाई से कदम पीछे हट रहे हैं ना? कौए के बच्चे को क्या मालूम कि हाथी क्या चीज है। कुछ लोग हमें परम हंस कह के पुकारते हैं और तुम हमें कौवा कह रहे हो। हंस हो या कौवा, किसी में कोई अंतर नहीं है, यही अद्वैत सिद्धांत है। ओहो, बार बार एक ही बात, सब एक हैं। ये सब तुम्हारा पागलपन है। सुनो पंडितों, तुम लोग समझाओ इसे। हंसी, रोना, गुस्सा, शांति, भय, साहस, स्त्री, पुरुष, अमृत, विष, ये सब क्या समझते हो, एक कैसे हो जाएंगे बोलो? ये सारे आप से पैदा हुए हैं। विवाद में इस तरह दांत नहीं दबाते, उफ नहीं कहते, इस तरह घूरते भी नहीं। ये सब एक है, ये हमें थोड़ा विस्तार से समझाएंगे बाल ब्रह्मचारी जी? क्यों नहीं बताऊंगा, आप ही सब कुछ बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये है कृष्णा, यह है तुंगभद्रा, ये गंगा और यह है यमुना, ये गोदावरी, ये कावेरी। आपकी आंखों के सामने मैंने सारी नदियों के तीर्थ इस कलश में डाले हैं। आपको इसमें से सारी नदियों के तीर्थ अलग करने हैं। क्या मूर्ख समझ रहे हैं, कर्म कर्म ये कैसे साध्य है? हंसते हुए मूर्ख समझ रखा है, कर्म कर्म ये कैसे साध्य है? असाध्य है। सारी नदियों के तीर्थ मिलाने से एक तीर्थ बन गया, इसी तरह सब एक हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। मेरी माँ को कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं आप। हंसते हुए दांत नहीं दबा सकते, उंगलियां भी नहीं दबा सकते, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी उंगलियों को इस तरह बड़ा करके दिखाओ सबके सामने। हाँ, दिखाओ। ये क्या स्वामी जी, एक उंगली छोटी है तो दूसरी बड़ी है, ये ऐसे अलग अलग कैसे हो सकती है? तुम्हारे तर्कों जैसे भाई, जब तुम्हारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती तो हम सब एक कैसे हो सकते हैं? बोलो। घूम गया ना, अखिल शास्त्र से सम्मानित हुआ हमारा कर्म सिद्धांत। बिना अर्थ वाले, बिना तर्क वाले हम आपके सिद्धांतों को नहीं मानते, क्या समझे गुरु? परंतु आप अवश्य मानेंगे। बोलिए, कल श्राद्ध कर्म में आपके पिता को क्या दिया था आपने? पिंड। जब आप माता के गर्भ में थे तो क्या कहलाए थे?
पिंड कलत्तान कंडम मिलत भ्रुंग शंडम चलत चारु शुंडम जगत त्राण शौंडम लसत तत्त कांडम विशत भंग चंडम शिव प्रेम पिंडम। पिता के श्राद्ध में जो दान किया वो पिंड है, माता के गर्भ में भी पिंड है। आपको पता है आप पैदा हुए तब आपको क्या कहते थे? इतना भी नहीं मालूम? हंसते हुए इतना भी नहीं मालूम? शिशु। जब आप बड़े हुए तब? बालक। उसके बाद युवक, वृद्ध, कुछ दिनों बाद देहांत होने पर आपको शव कहा जाए। कैसे अयोग्य बातें कर रहे हो? कैसे अयोग्य बातें कर रहे हो? प्रस्तुत अप्रस्तुत सब कुछ एक है, आप ही से बुलवाऊंगा। बोलिए अपने पिता के आप क्या बने? पुत्र। अपनी पत्नी के क्या बने आप? पति। आपका बेटा पैदा होगा तो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताइए ना। पिता बनूंगा। उस बेटे की शादी के पश्चात आपके घर में बहू आएगी, उसके आप क्या बनेंगे? ससुर बनूंगा। उसका बेटा पैदा होगा दादा बनूंगा। अरे आश्चर्य की बात है, आप ही पिंड बने, बालक बने, बेटा बने, पति बने, ससुर बनेंगे, दादा बनेंगे, शव बनेंगे। एक मामूली पिंड इतना कुछ बन सकता है तो अंड पिंड ब्रह्मांड के सृष्टि रचयिता, पालन और रक्षा करने वाला वो परम ज्योति स्वरूप ही परम धाम है, तो वो परमात्मा ही सब कुछ क्यों नहीं हो सकता? बताइए मुझे। समझ गया, सभी में प्रभु का अंश समाया है। श्री शंकराचार्य शरणम। रुकिए। आप अभी हारे नहीं हैं। आपके गले की माला अभी आधी ही सूखी है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, मुझे भी हराएंगे तभी उनकी हार होगी। मुझसे वाद विवाद करने के लिए तैयार हैं आप? ठीक है माँ, आप विवाद आरंभ कीजिए। नाबालिग सन्यासी हैं, सावधान होकर ध्यान से सुनिए। आलिंगन कितने तरीके के होते हैं? मुग्ध नाई का चुंबन कैसा होता है? मन मत कलाएं कितनी होती हैं? स्त्री पुरुष के समागम में अंतरात्मा क्या होती है? कोई माँ अपने बेटे से ऐसे प्रश्न पूछती है क्या माँ? वाद में, जुए में, युद्ध में, जैसा आप कहते हैं सब समान है। अद्वैत, यहाँ पर संबंध वगैरह, रिश्ते नाते कुछ नहीं होते हैं। ये हुई ना कुछ बात। आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं, परंतु अनुभव पूर्व बताने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। अस्तु, कृपया करके अनुभव लेकर यहाँ पर दोबारा आइएगा। आप जा सकते हैं। महाराज। महाराज आज आप शिकार करने मत जाइए, ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है महाराज। क्या कहा? ऐसा क्या? लेकिन हम तो ये ग्रह व्रह की बातें मानते ही नहीं है। आप माने या ना माने महाराज, राज पुरोहित की बात मानिए महाप्रभु, शिकार करने मत जाइए। मैं शिकार पे जाऊंगा। आप जाइए, परंतु नैमिषारण्य की ओर मत जाइएगा। नैमिषारण्य में ही जाऊंगा। समझ लीजिए महाप्रभु, वहाँ की स्थिति अनुकूल नहीं है, आप नहीं जानते। जानता हूँ। पान पत्र, काजू, दालचीनी, आम, पपीता, अखरोट, लौंग, चमेली, चंपक, गुलाब, कमल, सूरजमुखी, मोगरा, गेंदा, सरल, कुरवा, तत्कोल, बेल, कोकिवात्रा, सेल, सिंधु, पाक, सिंधु, वीर, नाग पुष्प, सप्तपत्रम, मल्लिका, संशोधितम, निवेदिता, कंचन, गंगा, केतकी, कचनार, मोगरा, पलाश, कदम।
गंध गज गए गंड सर्प सिंह 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 राज का शिकार करने के लिए मैं तो नई मिशारण्य में ही जाऊंगा। देखता हूँ कौन रोकता है और सही सलामत वापस लौटूंगा। अब हम नैमिषारण्य में जाएंगे। नैमिषारण्य में? हाँ, नैमिषारण्य में जाएंगे। को दाम्पत्य शास्त्र के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये दाम्पत्य शास्त्र नहीं है, सृष्टि यज्ञ का रहस्य शास्त्र है। अब उसे जानना ही हमारा कर्तव्य बन गया है। कौन हो तुम? महाराज की तरह रानी का उपभोग करने की उम्र में सन्यासी बन गए? तैयार है तुम? दीर्घायुष बाबा, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे, सारे भोग तुम्हें प्राप्त हो। इस तरह नशे में शिकार करना तो समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। हे शंकर, हे शेर, तू शेर है तो मैं सिंह हूँ, महाराजा सिंह। प्रभु प्रभु मत जाइए, खतरा है। मैं हमारे लिए खुशी है, जंतु हो या सुंदरी हो, हाथ का प्रयोग करके अपनी ओर झुका लेते हैं। बचाओ शेर! आचार्य आचार्य, अभी आपसे जो विवाद कर रहे थे वो महाराज शेर से लड़ते हुए मारे गए। समस्या का समाधान मिल गया है। मृत्यु धारण किए उस राजा के शरीर में आत्मा का प्रवेश करूंगा। अनुभव पूर्वक सृष्टि यज्ञ की रहस्य शास्त्र का अभ्यास करके परिपूर्णत्व सिद्धि प्राप्त करूंगा। आचार्य, ये कैसा कठिन निर्णय है? इससे और भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा गुरुदेव। इसके बारे में आप अवश्य सोचिए आचार्य। ये सोचने समझने का समय नहीं है। मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, तोटकाचार्य मेरे शरीर को पहाड़ की गुफा में बचा के रखेंगे। हस्ता मलका रुद्रज तेल मंत्रों से मेरे शरीर की जागरूक रहकर हर पल रक्षा करेंगे। मैं कुछ ही दिनों में वापस आऊंगा। Thank you.
राज गंभीर श्री 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 अमरग राजा जी महाराज विजयी 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 विजयी। प्रिय सभाजनों, जैसा आप सोच रहे हैं मैं आपका महाराजा नहीं हूँ, मैं तुम में से एक हूँ। सच कहूँ तो तुम में मैं ही हूँ, त्वमेव। ये राज्य प्रजा का है, ये प्रजा से प्रजा के लिए बना है। प्रजा ही सब कुछ है, उसके विचारों से चलेगा। सरकार का मतलब प्रजा पर हक जमाने वाला नहीं होता, प्रजा ही अधिकारी है और हम सब प्रजा के सेवक हैं। सेवक। आह, ये है हमारे महाराज की परिस्थिति। महाराज, ओ महाराज, हमारी प्रजा की बहुत दुर्गति हो रही है, हमें क्या करना चाहिए आप बताइए। हमारी तरह शराब पी के आराम करने के लिए कहिए, प्रजा से हम ऐसे ही दूर रहेंगे। उन बदकिस्मत लोगों से कहिए कि हम उन्हें दर्शन नहीं देंगे, हम यही रहेंगे। प्रभु, पर राज्य के बारे में भी तो सोचना है हमें। हम रानियों के बारे में नहीं सोचेंगे। शिवार प्रणाम। महाराज, में जो बदलाव आया है वो पूरी तरह से मुझे दिख रहा है। बदलाव तो आया है, परंतु इसमें कुछ नया नहीं है। तुम्हारे पास मन से कुछ सीखने के लिए विद्यार्थी बन के आया हूँ लग रहा है हमें, आप जान लीजिए। वैसे सीखना क्या चाहते हैं आप? आलिंगन कितने तरह के होते हैं, मुग्ध नायिका चुंबन कैसा होता है, स्त्री पुरुष समागम में अंतर क्या होता है, इस सृष्टि यज्ञ में बना रहस्य शास्त्र आप सिखाएंगी हमें। काम देवा नमः, काम देवा नमः, कमनीय भावा नमः, काम देवा काम देवा नमः, प्रपंच विजय ध्वज पंच बाण महाप्रभावा नमः, महानुभावा नमः, पवित्र श्रृंगार शास्त्री प्रप्रथम पाठः आलिंगन विधिः। आलिंगनम् आलिंगनम् अनुराग सम्मोहनम् आलिंगनम् अन्योन्य संवाहनम् अंगांग रोमांचनम् अनंग रस रति लांछनम् आलिंगनम् प्रतिलास्य गृह प्रांगणम् स्पष्टकम् आलिंगनम् निर्थकम् आलिंगनम् उद्धृष्टकम् आलिंगनम् उपगोहनम् आलिंगनम् मोहारेशम्
एतन् मां सवसादि विकारं मनसि विचिन्तया वारं वारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते माँ आपका स्वास्थ्य पहले ही ठीक नहीं है और ऐसे में नदी के पास जाना अनिवार्य है क्या अगर जाऊंगी नहीं तो क्या नदी घर के पास आएगी माँ पूर्णा नदी प्रदान करता हूँ नदी हमारे घर के पास आई है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा वो श्री रामचंद्र पितृवाक्य परिपालक रहा है तो हमारा शंकरा मातृवाक्य परिपालक है ये शंकरा का ही चमत्कार है माता सच कहा ये मेरे बेटे का ही काम है चिरंजीव 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 शंकरा बाल ब्रह्मचारी से तुमने श्रृंगार रस के ऐसे प्रश्न पूछे कि अब जीवन में कभी यहाँ वापस लौट कर नहीं आएगा शंकराचार्य को आप पहचान नहीं पाए शंकरा शंकर का साक्षात रूप है ये मेरा विश्वास है नमः शिवाभ्याम नव यौवनाभ्याम परस्पराश्लिष्ट वपुर्थराभ्याम नगेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम रुक जाओ बंद करो ये पूजा पाठ भगवान नहीं है जब भगवान ही नहीं है तो उनके लिए मंदिर कैसा या पूजा कैसी ये आराधना कैसी अर्चना किस लिए हंसी आ रही है हमें सुनो राजा भगवान है तो साबित करके बताओ मैं एक नास्तिक हूँ अगर तुमने साबित कर दिया तो मैं भगवान की पूजा करने लगूंगा नहीं तो तुम क्या हुआ भाई अरे बाप रे अरे छोड़ दो अरे क्या बोल रहे हो बिल्कुल नहीं चलेगा मेरा हाथ पूरी तरह से जला दिया है अरे बिल्कुल नहीं चलेगा कह रहे थे तुम मजाक समझ के रखा है बिना मिर्च के जल रहा है क्या ऊपर से कह रहे हो कि हाथ राख की तरह जल रहा है हमें जरा जलन दिखाओगे अपने हाथ की जलन कैसे दिखा सकता हूँ मैं मेरी जलन मुझे ही पता चलेगी ना दूसरों को दिखाना असंभव है कोई नहीं दिखा सकता ओम नमः शिवाय है ना ये जलन अगर नहीं दिखा पा रहे हो नित्य निर्वध्य निर्देश सौज्वले सौगंध्य सौकुमार्य लावण्य यौवन अनेक कल्याण गुणशील शौशील्य शौलभ्य वात्सल्य गंभीर औदार्य धैर्य सधैर्य पराक्रम सत्य क्रम सत्य संकल्प है महाज्योति स्वरूप उस परमात्मा को कैसे दिखा पाऊंगा धूप हमें दिखती है लेकिन होती नहीं हवा दिखती नहीं है लेकिन होती है आकाश दिखता है किंतु होता नहीं है दिन में भी नक्षत्र होते हैं पर हमें दिखते नहीं खुशबू दिखती नहीं महसूस की जाती है अद्भुत शीशे में जो दिखता है साधारण आंखों से नहीं देख सकते इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है इसी तरह वो भगवान भी हैं इनका अनुभव करने से हम उन्हें देख पाएंगे आप जिस भगवान को नहीं मानते उसी भगवान को पूरी तरह मानेंगे ओ मेरी सुंदरी नमः ओम प्यारी पत्नी नमः ओम नृत्य भंगिमाए नमः महाराज प्रजा हमारी प्रजा अनगिनत समस्याओं से दुखी हो रही है महाराज ओह
मैं भी अनगिनत नहीं 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 प्रेम में लीन हूँ। महाराज, शांति के लिए हम लोग देवालयों में प्रत्येक रूप से पूजा करवा रहे हैं, आप भी वहाँ सब परिवार आएंगे तो भला होगा महाराज। ऐसा क्या, आप वहाँ की पूजा करवाइए, हम यहाँ पूजा करवाएंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पतिदेव में ये बदलाव कैसे आया समझ में नहीं आ रहा। हमारे महाराज हर रात को महल छोड़कर कहीं जाते हैं। अच्छा, महाकाली का पालिका, समझ गया मैं, उसकी आत्मा ने इस राजा में प्रवेश किया है। मंत्र डालूंगा, मरण दिखा दूंगा, परम पवित्र कश्मीर के सर्वज्ञ पीठ को अपने अधीन करूंगा। हमारे महाराज के शरीर में किसी और की आत्मा ने प्रवेश कर लिया है, ये साबित हो गया महारानी। अपने देश की प्रजा की सुरक्षा के लिए मैं एक कठोर निर्णय लेने जा रही हूँ। राज्य की स्थिति सुधर रही है, प्रजा राम राज्य में जी रही है। इस राज्य को इसी तरह चलाना हो और सबको इसी तरह प्रसन्न रखना हो तो क्या करें बताइए। पराए शरीर में आई उस आत्मा ने अपना शरीर अवश्य कहीं छोड़ा होगा, वो शरीर हमें कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा। हमें उसे ढूंढना है, किसी भी तरह उसे नष्ट करना होगा, तभी हमारे राजा बन के रह सकेंगे। हम भी यही चाहते हैं। मंत्री जी, पूरा देश छान मारिए, कहीं भी पार्थिव शरीर दिखे तो दहन कर दीजिए। पिताजी, पिताजी, पिताजी। दो शादियां की थी इसने, अब मर गया है। कल परसों तक इतने सारे गहने पहन के घूमता था, सब हड़प लिया इन दोनों ने। अंतिम संस्कार तो कराओ माताजी। इस नालायक ने 9 लाख का हार मेरी सौतन के लिए बनवाया था, यही करेगी सब कुछ। मैं क्यों कराऊं अंतिम संस्कार, तेरे लिए भी तो बनवाया था 9 लाख का हार, तू ही कर अंतिम संस्कार। वो बगल वाली गली का घर भी तेरे नाम पे किया था ना, तू ही कर सब कुछ। बढ़िया है, मुझे बोलने वाली, तेरे नाम पर भी तो लिंगापुर की जगह की थी ना, तू ही करवा इनका अंतिम संस्कार। मैं क्यों करूंगी, तू ही कर। करवा बेशरम कहीं की, तू ही कर बंदर मुंह वाली। रुक जाइए, हम इसी काम के लिए आए हैं। ए उठाओ से, ए किसका शव है ये? ये शव नहीं है, आचार्य हैं। आचार्य जी हैं क्या, इस तरह क्यों लेटे हैं? वो लेटे नहीं है जी, आसन कर रहे हैं। ओ ऐसा क्या, समझ गया, ये शव आसन है ना। अरे बाप रे, आसन के बारे में भी जानते हैं आप लोग? सुनो सन्यासी, हम सब कुछ जानते हैं, ये तुम जान लो, चलो। शंकर का शव ले आऊंगा और उसे चला दूंगा। मैं दिग्ग विद्वान प्रचंड पंडित हूँ, अब वो सर्वज्ञ पीठ आसन मेरा ही होगा। इस खेल का अंत होगा। हाँ, आपके खेल का अंत होगा गुरुजी। उधर देखो, सैनिक खाली हाथ आ रहे हैं।
रुक जाओ सैनिको, और ये बताओ शव कहाँ है? गुफा में कोई शव नहीं था स्वामी, शवासन में आचार्य था। बेकार में आप हमें इस जंगल में ले आए स्वामी। अज्ञानी हो, उन विभूति लगाने वाले सन्यासियों ने तुम लोगों को पागल बना के वापस भेज दिया। उस गुफा में जो है उसमें जान नहीं है, वो एक शव है, एक बुझा हुआ दीप है। जान गए ना, पहचान गए ना, जान गए पहचान गए, कहीं अनजाना कुछ छुपा हुआ है। सभी जब जाने गायब हो जाती है अभ्यास पूरा हो गया, आशीर्वाद देके विदा कर। दया करके हमें एक बात बताइए, मेरे पतिदेव के शरीर में प्रवेश करने वाले अब हैं कौन? अमरक राजा का आधा भाग आप में रहेगा, अब प्रजा का पालन आप ही कीजिए। लक्ष्मी नृसिंहा, लक्ष्मी नृसिंहा, लक्ष्मी नृसिंह मम देही करावलंबम, संसार सागर विशाल कराल काला, नक्रग्रह ग्रसन निग्रह विग्रहस्य, मग्नस्य रागलस दूर्मिनि पीडितस्य, लक्ष्मी नृसिंहा, लक्ष्मी नृसिंहा, लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्। शिवोहम। माता, महापंडित श्री मंडन मिश्रा जी अब सुरेश्वर नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध होंगे। धन्यास्मि। निद्रा में निर्वीर्य हो रही जनता को जागृत करेंगे, हमारी जीत यात्रा के लिए चैतन्य का पवित्र शंख बजाएंगे। शंकर विजयम्, आदि शंकर विजयम्, सत्य शंकर विजयम्, धर्म शंकर विजयम्। आस्तिक हित भूषणम्,
भीषणम् श्री वेंकटेश्वरालय में श्री चक्र की प्रतिष्ठा की है मैंने। आज से इस तिरुपति हुंडी में चांदी और सोने के साथ साथ करोड़ों धन की वर्षा भी होती रहेगी। तथास्तु। तुम्हारे तेजस्व को देखने से लगता है तुम श्री चक्र की उपासना करते होंगे। माँ से मांगोगे तो धन वर्षा अवश्य बरसेगी। आराम से रथ और पालकी में घूम सकते हो ना, इतना कष्ट क्यों उठाते हो शिवा? साधु और सन्यासी के लिए मोह माया किस काम की है शिवा? आयुष्मान भी नहीं गया, हमेशा मेरे सामने दिखता रहता था तू। शंकरा, शंकरा, इस संसार के लिए तूने बहुत कुछ किया है बेटा, मैंने सुना है। क्या इस माँ के लिए कुछ कर पाएगा बेटा? बोल माँ। मेरे शरीर से प्राण निकलने से पहले परमात्मा श्री कृष्ण की लीला देखना चाहूंगी बेटा, उसके बाद ही आंखें बंद होंगी। जैसी तेरी इच्छा माँ। कृष्णा द्वारका चराचर जग जीव के अनादि आत्म की साक्षी से कण कण में तुम हो के बिना हो उज्जवल प्रज्वल रूप तेरे। धरती अंबर अग्नि पानी वायु के हो रखवाले, तेरा खेल ही खेल है, बात ही बात है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सृष्टि करता तू ही तू। मेरा ललिता रस है अमृत लीला, लीला कृष्णा दर्शाओ ना, माँ को दर्शाओ ना। लीलाएं तो बहुत सारी हैं शंकरा, कौन सी देखना चाहोगे? अवश्य बताता हूँ, परंतु वो अभी मेरी माँ को दिखानी होगी, ठीक है? शंकरा का कहना और मैं ना मानूं, तुम जो कहोगे वो सदैव सर्वदा सिद्ध करूँगा। माखन खाने वाले मुँह से मिट्टी खाई वो मुँह दिखाया, जब माँ ने पूछा तो पकड़ गया, भक्ति भाव से झुक गए तुम। सब कुछ मैं हूँ, सब में मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ ये दिखलाया।
तीनों लोगों को मुंह में दिखा के यशोदा माँ को जो दर्शाया लीला कृष्णा दर्शाओ माँ को दर्शाओ साड़ी चुरा के टहनी पे बैठ के तूने कहा था हाथ जोड़ मुझे गोपियों का दिल चुरा के तूने सारे तत्व बताए थे ना मैत्री बंधन मधुर मधुर ये दिखलाने को चिड़वे खाए सबको अपना के मोक्ष देता हूँ दाता मैं हूँ बोला था ना अष्टपत्नियां रह के भी अस्कलिता ब्रह्मचारी है ना तू ये पहचान दिखाने सिर पे पहना है ना पंख मोर का हवा ही सब कुछ ये दिखलाने बजाई थी ना बांसुरी तुझ में मैं हूँ पार्थ सारथि सा दिखलाया था विश्वरूप को कदम कदम पे आत्म तत्व को बोध दिया था परम गुरु है लीला कृष्णा दया करो माँ को मोक्ष प्रदान करो माँ को देखने दीजिए माँ को मोक्ष प्राप्त हुआ अब माँ के इस देह को भी मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए कापालिका शंकर एक सन्यासी है और एक सन्यासी माँ का दाह संस्कार कैसे कर सकता है ऐसा करने से इस गांव का नाश होगा आप तो कुछ नहीं जानते ये बात इन्हें नहीं पता ना चुप हो जाओ तुम ये पुरुषों का व्यवहार है चुप हो जाइए आप पुरुष कब से बन गए और नहीं तो क्या जी बचपन में ही बहुत सारी भाषाएं सीखी थी उसने लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए नर्मदा नदी को भी कमंडल में बंदी बना लिया था उसने इतना ही नहीं जी अपनी माँ के लिए पूर्णा नदी घर के पास ले आया था इतना महान है वो तो क्या इतने से बात नहीं जानेगा शास्त्र का विरोध करने से ये गांव शमशान बनेगा सच कहा शंकर लोगों का आचार्य हो सकता है किंतु हमारे लिए अनाचार्य है शव को उठाने के लिए ही नहीं उसे देखने भी कोई नहीं जाएगा ये इस प्रचंड शर्मा की आज्ञा है भगवंत अग्नि भिक्षान देही मेरी माता शिवैर्ण्य हो गयी मुझे उनका दहन संस्कार करना है अग्नि भिक्षान देही भवती मेरी माँ का देहांत हुआ है दहन संस्कार करना है अग्नि भिक्षान देही माता चंडी अग्नि दान दोगी क्या अग्नि चलो शंकरा बेटा शंकरा माता मेरी माँ का देहांत हुआ है दहन संस्कार करना है अग्नि भिक्षान देही माता तुम हो सन्यासी सन्यासी की वो माँ है क्या माँ है किसकी माँ है कुछ समझ में नहीं आता ए चलो फूटो ज्योतिश्च मे
शाम देही आज्ञा दीजिए, क्या चाहते हैं आप? तेरे प्राण मुझे बलिदान में चाहिए। अपने आप को मांग रहे हैं? अस्तु। पद्मपाद, अपना मंत्र वापस ले लो। कपालिका, आचार्य आप आगे बढ़िए। आचार्य, कश्मीर के सर्वज्ञ पीठ को अपनाने की लालसा में मैं ये पाप करने चलाया। उसके लिए पूरे योग्य जगत के गुरु आचार्य आप हैं। अगली कार्तिक पूर्णिमा से पहले आप कश्मीर जाइए आचार्य, उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपका है। शिवोहम। प्रिय सभावासियों, यही है वो अति पवित्र कश्मीर का सर्वज्ञ शारदा पीठ। यहाँ उपस्थित सर्वमत पंडितों को अपने वाद विवाद से हराने वाला व्यक्ति ही इस पीठ पर विराजमान हो सकता है। अब आप शास्त्रों की चर्चा आरंभ कर सकते हैं। गौड़पाद, क्या कहा? क्या कहा? चर्चा? आप लोग वहाँ देखें, कौन है वो जानते हैं ना? आदि शंकराचार्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चार बार पदयात्रा करके सारे मठों के नेताओं को अपने वाक्यों से जगाकर, अंधकार मिटाकर, उनकी आंखें खोलकर, संगठित करके सब एक है कहते हुए धरती को पूरी तरह कपा कर आया है। ये सिंहकंठ से निकला आध्यात्मिक सिंह है, इसी का है ये सिंहासन। अस्तु, आदि शंकरा ही इसके लायक है, ये मैं नहीं कह रहा, वेदों के वेद गुरुदेव भास्कर ने कहा है, शिवाद्वैत्य रहे नीलकंठ ने कहा है, कर्म ब्रह्मांड जो है उन प्रभाकर ने कहा है, भट्ट मत प्रवर्तक मंडल मिश्र ने कहा है, शाक्ते मत के अभिनेता अभिनव गुप्त ने कहा है, वैष्णव वैश्व जन लोग चार वाक और गान पात्य, भैरव लोग पशुपति जन, वैद्य जन, अघोर जन, सौर्य जन और जैन सभी धर्मों के लोग इनके चरणों में आकर शरण शरण कहने लगे। इनसे भी बड़ा कोई सर्वज्ञानी है क्या इस सभा में? नहीं है। ये जानते हुए भी यदि कोई खड़ा होने का साहस करना चाहता है तो उन्हें मैं क्षण भर सोचने के लिए कहता हूँ।
शंकर जब पैदा हुआ तब से लेकर इसे जानता हूँ। सच कहूँ तो पैदा होने से पहले से ही जानता हूँ। मूर्ख दुर्जन्य दुर्भाग्य से भरे इस दुष्ट समाज की पूरी तरह से शुद्धि करने के लिए बचपन से ही तड़प तड़प के तपस्या करता रहा ये महापुरुष। अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, आनंद लहरी, ब्रह्म सूत्र भाष्यम, प्रच्छीकरण प्रक्रिया, उपदेश साहसी, ब्रह्म गीत, लगभग 200 से ज्यादा अपूर्व रचनाओं की रचना की है। अद्भुत पूर्वक अध्यानंतरकार भंजन अद्वैत सिद्धांत का प्रतिष्ठित पीठ किया इस शंकर ने। ये जानने वाले कितने लोग हैं? शंकर से बढ़कर कोई नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है, ये मैं जानता हूँ। तुम भी जान गए ना? कारण जन्म आदि शंकर ही उस सिंहासन पर विराजमान होने के लायक है। नहीं, अति पवित्र सन्यास आश्रम को 2 बार स्वीकार किया है इस शंकर ने। सामान्य मानव बनके अपनी माँ का दाह संस्कार कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। अति पवित्र सन्यास आश्रम धर्म को अग्नि में डालकर जलाया इसने। उस सिंहासन पर विराजने के लायक ये बिल्कुल नहीं है। अरे ओ कपालिका, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। सन्यासी का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर छोड़ना होता है, मानवता को छोड़ना नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने शंकरा ने अपनी माँ का दाह संस्कार किया था, यही है ना तुम्हारा संदेह? आखिर सन्यासी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही साबित कर देते हैं। कोई सन्यासी अपने पिता को प्रणाम कर सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं। जब से मैं सन्यासी बना हूँ, मेरे पिता ही मुझे प्रणाम करते हैं। कोई भी सन्यासी अपने पिता को तो क्या, किसी को भी प्रणाम नहीं करता है। स्कंद पुराण काशी खंड विश्वेश्वर स्मृति के 11वें अध्याय में 50वें श्लोक में संध्यस्था खिल खरमानी प्रसूर वंद्या प्रत्यता, यानी सन्यासी को नियम से माँ को प्रणाम करना चाहिए, यही है इसका असली अर्थ। अब तो समझ गए ना, माँ और शिशु का अंतः संबंध तोड़ सकते हैं, परंतु माँ बच्चों का संबंध सन्यास तत्व। ये शास्त्र नहीं है, शासन है। मान गए। सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में ही, जैसा पहले कभी किसी ने देखा या सुना नहीं, इस तरह के महान कार्य करके। साधु बनने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता, युवा जगत को ये दिखा के साबित किया आपने। ये भारत का सिद्ध योगी है, सर्वज्ञानी है। धन धान्य की दात्री वो श्री महालक्ष्मी देवी भी स्वयं इसके अधीन में थी, तब भी कभी इसने माता से एक सिक्का तक नहीं मांगा। ऐसा निस्वार्थ निडर योगी केवल यही एक है, और यही इस सर्वज्ञान पीठ के योग्य है। सबको ज्ञात हो गया ना, मैंने यहाँ यही साबित करके इस शंकर को सर्वज्ञान पीठ पर विराजमान होते देख के मुग्ध होने के लिए ही ये सारा नाटक किया। भगवत पाद स्वरूप श्री शंकराचार्य को जगत गुरु का नाम देता हूँ। रुको, माँ आप? शारदा माता, अखिल लोक में समस्त शास्त्र संपत्ति प्राप्त करने वाली अभय हस्त को मैं अभिवाद करता हूँ। शंकरा, इस पीठ को स्पर्श करने के लिए आत्मशुद्धि के साथ साथ देह शुद्धि भी आवश्यक है। एक सन्यासी होते हुए पराये शरीर में प्रवेश करके श्रृंगार शास्त्राधीन अपनाया, इसका क्या समाधान है तुम्हारे पास? भावी पीढ़ी के लिए इस आश्चर्यपूर्वक घटना का तुम्हारे पास क्या समाधान है, बोलो? इस मौन का क्या अर्थ है? अर्थ है माँ, अर्थ और अंतर अर्थ दोनों हैं। पूर्व मत्स्येन्द्र नाम के एक महात्मा ने किसी प्रतिष्ठित राजा के शरीर में प्रवेश करके राज्य का उद्धार किया। ये अशुद्ध नहीं है, धर्म का पालन है, ये कहके शास्त्र निपुण सब ने प्रशंसा की थी।
जगन्नाथ सूत्रधारी उस श्री कृष्ण परमात्मा ने 16,008 गोपियों के साथ रास लीला रचाई, तब भी उन्हें असंस्कारिता ब्रह्मचारी के नाम से मानते हैं, ये सत्य है। मैंने उनके आचरणों को अपना के पराय शरीर में प्रवेश किया, जानने के लिए कि प्रजापालक कैसा होना चाहिए, इस संसार को साबित करने के लिए। सर्वस्चा प्रियस्चा जो कठोपनिषद के आधार पर है, इसे वज्रोलियोग प्रक्रिया से सारी प्रजा के पूर्ण प्रयोजन के लिए मैंने नाटक रचाया था। इससे मेरी सन्यासी दीक्षा लेश मात्र भंग नहीं हुई, मैं विश्वास से कह सकता हूँ। अगर मेरी बातें असत्य पूर्व हों या असंबंधित हों, कहीं भी कोई दोष मिश्रित हो इसमें, तो अमृत प्राप्त करने वाले ओमकार मंत्र को साक्षी मानकर कहता हूँ, पूरी सभा में मेरा शीश टुकड़ों में फट जाए ऐसी शपथ लेता हूँ। ओंकारं सकलकलाशीकारं चतुर्वेदसाकारं चैतन्यसुधापूरं ज्ञानकमलकासारं ध्यानपरिमलासारं मधुरभक्तिसिन्दूरं महाभक्तमन्दारं भवभेरीभाङ्गारं हृदयशङ्खहूङ्कारं धर्मधनुष्ठङ्कारं जगद्विजयझङ्कारं अद्वैतप्राकारं भजे। शंकरा को आपने इतने आयुष्य दान में दी है, अब और देना चाहेंगे? नहीं, आज मेरी आयुष और कल शंकरा की आयुष समाप्त हो जाएगी, ये मैं जानता हूँ। काकारांड विंड भास्वत ब्रह्मांड बांड नादलय ब्रह्मात्मक नव्य जीवनाधारम वर्ण रहित वर्ग मधित ललित ललित भावलुलित भाग्य रचित भोग्य महित वसुदैक कुटीरम कामिदार्थ बंधुरम कल्याण खंदरम सद्गुणैक मंदिरम सकल लोक सुंदरम पुण्यवर्ण पुष्करम दुरित कर्म दुष्करम शुभकरम सुधाकरम सुरुचिरम सुधीपरम भवकरम भवाकरम त्रियक्षरम अक्षरम भजे। माधव मायामय बहु कठिन विकट कंटक पद संसार कानन सुख ज्ञान सकट विहारम अष्टाक्षरी प्रकृष्ट पंचाक्षरी विशिष्ट महामंत्र यंत्र तंत्र महिमालय गोपुरम घन गंभीरांबरम जंबू भूभंबरम निर्मल युग निर्घरम निरुपमान निर्झरम मधुर भोगि कुंजरम परमयोगि बंजरम उत्तरम निरुत्तरम अनुत्तरम महत्तरम महाकरम महांकुरम तत्वमसी तत्वरम तथितरत्तमोहरम मृत्योर मृतत्वकरम अजरम अमरम मकारम उकारम मकारम। ओंकारम अद्वैत प्राकारम। मैं महान हूं, मैं ही महान हूं, ये तो सभी सोचते हैं। किस लिए? ये सच है इसलिए? ये कौन सोचता है? अंतरात्मा? और अंतरात्मा से बढ़कर और कौन है? ये सत्य है, भारतीय महर्षियों के जानने वाला परम सत्य है। और मेरे 32 वर्षों के अनुभव में
मैंने भी एक परम सत्य को जाना है। अनाचार का, अत्याचार का, अमानुष का, अराजकता का अंत करना ही एक जीवन है। और लड़ते हुए जान देंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ अज्ञान से बंध जाएंगे हम लोग। यूं ही आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, मनोबल के साथ आगे बढ़ना होगा। नवयुवकों को किसी से कम मत समझिए, वही एक शक्ति क्षेत्र है, चैतन्य के प्रवाह है वो। प्रेम करना एक ब्रह्म विद्या है, प्रेम करो। संपूर्ण संसार में एक ही भाषा जानी जाती है, वो है प्रेम की भाषा। प्रेम करो, अपने आप से जितना प्रेम करते हो अखिल जीवों से उतना ही प्रेम करो, और यही हिंदू धर्म है, यही है भारत के सनातन धर्म की संस्कृति, यही है संप्रदाय हमारे धर्म का। प्रेम ही केवल हर जाति को, समस्त देशों को, अखिल ग्रहों को एक करने वाला महामंत्र है। तुम्हारे आसपास हर प्राणी, हर मनुष्य भगवान है, ये समझ लो। तो किसी से द्वेष नहीं होगा, हड़पना छिपाना बिल्कुल नहीं होगा। सीमाएं नहीं होंगी, युद्ध नहीं होंगे, मारण होमम नहीं होंगे, मतभेद नहीं होगा, शांति, शांति का ही वर्चस्व होगा, चारों ओर शांति ही रहेगी। हमने जो चार पीठ स्थापित किए हैं वो आपके हाथों में सौंपते हुए जा रहा हूं, उन्हें ध्यान से संभालिएगा। शिवा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः। चिदानन्द रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ। मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। शिवानन्द रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्द रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। शिवानन्द रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्द रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्द रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्द रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। अमृत है, पी ले, मृत्यु आस पास भी नहीं भटकेगी। ये अमृत किसको पीना है?
अशाश्वत शरीर को पीना है या अंदर जल रही मेरी आत्मा को पीना है? शिवोहम।